हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन, चैप्टर 6, क्लास 11th। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं 4 क्वेश्चन तक करा चुकी हूँ बेटा। ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th। कहता है इसमें कुछ नई एंट्रियाँ होंगी, उन पे स्टार लगा दूंगी, स्टार लगा लेंगे ताकि मैं एंड में एक आपको ऐसी वीडियो दे दूंगी जिसमें सारी इंपॉर्टेंट एंट्रियाँ आपको एक साथ ही मिल जाएंगी। ठीक है, तो अराउंड ऑफ 10 या 12 एंट्रियाँ होंगी, बस वो आपको एक वीडियो में मिल जाएंगी, आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, कह रहा है फर्स्ट बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,75,000। तो कैश से जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैपिटल आता है, मतलब कैपिटल लेके आया किस फॉर्म में, कैश की फॉर्म में। तो कैश इंक्रीज हो जाएगा और लाइबिलिटी की साइड कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, जब भी नेम हो बेटा, जब भी क्या हो नेम, तो हमेशा एज्यूम करना है कि क्रेडिट पर परचेज कर रहा है। किस पे परचेज कर रहा है? क्रेडिट पर। ठीक है, तो इसे अंडरलाइन करो, रोहित है। अब मैं क्यों ले, मैं नाम क्यों लूँगी, वरना ये नॉर्मल कह देता परचेज गुड्स बस 50,000, तो कैश एज्यूम करते, बट नेम दे दिया ना, तो जहाँ भी नेम हो जाए वहाँ समझ जाना। अगर कहता परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित फॉर कैश, अगर कैश वर्ड लिखा है तो कैश एज्यूम करना, वरना नेम लिखा है ना जहाँ पर, कुछ नहीं लिखा तो वहाँ पर क्रेडिट एज्यूम करना है आपको। ठीक है, तो परचेज़ किए हैं तो इसलिए मेरे क्रेडिटर इंक्रीज़ हो जाएंगे, रोहित, क्योंकि मैंने उसे पैसे नहीं दिए हैं इसलिए वो मेरा क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर भी इंक्रीज़ और गुड्स इंक्रीज़ हो जाएंगी, गुड्स मतलब स्टॉक। कह रहा है सोल गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष, मनीष को सेल करी है, तो पहली बात तो सेल करी है मनीष को क्रेडिट में, तो मेरे डेटर इंक्रीज़ होंगे, डेटर मतलब देने वाले, पैसे देंगे तो डेटर विल इंक्रीज़। कितने थाउजेंड की गुड्स थी? 17,500 की गुड्स थी, और उसके सेल कितने में कर दिया आपने? 20,000 में। आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो कि आपने अपनी किसी बुक को जिसकी कॉस्ट थी 400 रुपीज़, उसे 500 में सेल कर दिया अपने फ्रेंड को, ठीक है, और क्रेडिट पे सेल किया है, तो इन फ्यूचर आपको आपका फ्रेंड कितने रुपीज़ देगा? 500 रुपीज़ देगा। गुड्स मतलब स्टॉक, आपकी बुक कितने से कम हो जाएगी? 400 से, और 100 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट अर्न हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा? कैपिटल में। मैंने आपको बताया है कैपिटल में प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेस इनकम ड्राइंग और कैपिटल, यही 6 चीज़ें आती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो गया ना, क्योंकि अगर यहाँ पर 20,000 वाली गुड्स 20 में ही सेल करते तो कुछ नहीं आता, बट क्योंकि 17,500 वाली गुड्स को 20 में सेल गया है, तो इन फ्यूचर डेटर कितने पैसे देंगे? 20,000। गुड्स कितने की डिक्रीज हो जाएंगी? 17,500 की, और क्योंकि प्रॉफिट हो गया इसलिए कैपिटल में इंक्लूड हो जाएगा। फर्नीचर परचेज किया फॉर ऑफिस यूज, ठीक है, फर्नीचर मेरी एसेट है तो एसेट इंक्रीज हो जाएगी। 10,000 का परचेज किया है, कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब कैश में ही परचेज किया है, ठीक है, अगर नेम होता तो क्रेडिट सोचना है, कुछ नहीं कह रहा तो कैश में ही परचेज किया, तो कैश कम हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? फर्नीचर। कैश पेड टू रोहित, अब ध्यान से सुनना, रोहित से मैंने परचेज कितने की गुड्स की थी? 50,000 का परचेज किया था। रोहित ने मुझसे कहा भाई मुझे 48,500 रुपीज़ दे दे और तेरी फुल सेटलमेंट हो गई, मतलब कोई बात नहीं मैं तुझे डिस्काउंट दे देता हूँ। फुल सेटलमेंट वर्ड को याद रखना, फुल सेटलमेंट मतलब 50 वाली चीज़ के 50 रुपीज़ लेने थे रोहित ने हमसे, लेकिन उसने कहा ठीक है तू मुझे 48,500 रुपीज़ ही दे दे और अब कुछ नहीं टेंशन है, अपना मैंने तुझे एक तरह से डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर आपको देखो, कैश कितने से कम हो जाएगा? 48,000 दिए ना आपने, 48,500 से तो आपका कैश डिक्रीज हो जाएगा। रोहित को देने 50 के थे तो 50 खत्म हो जाएंगे, कितने दे के मतलब, देखो इसकी एंट्री बताती हूँ एक बार, ध्यान से समझना, खुद सोचो आप। रोहित मेरा डेटर था, कौन था डेटर? 50,000 का। रोहित ने मुझसे कहा भाई देख ऐसा है तू मुझे सिर्फ 48,500 रुपीज़ दे दे और तेरी फुल सेटलमेंट हो गई, मतलब माइनस हो गए तेरे अब 50,000। ये क्रेडिटर थे, सॉरी डेटर नहीं है, क्रेडिटर है ना, तो ये ख़त्म हो गए 50,000 के और मेरे साथ कैश कितना चला गया? 48,500 के। क्लियर हो रहे? जिनको मुझे रोहित, जिसको मुझे देने थे 50,000, उसको मैंने कितने दिए हैं? 48,500। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हमेशा किस में इंक्लूड होता है? कैपिटल में। कितना? 1,500 का। ठीक है, ऐसे एंट्री हो जाएंगी, ये लाइबिलिटी साइड और ये एसेट साइड। एसेट साइड तो एक ही इम्पैक्ट पड़ेगा बस, कैश डिक्रीज होगा। ठीक है, चलो
नेक्स्ट कह रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, मनीष से कितना मिलना था, 20 ही तो मिलना था, 20 दे दिया। जो आपको फ्रेंड को बुक सेल करी थी ना आपने 500 की, उसने आपको 500 रुपीज़ दे दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनीष था कौन, मेरा डेटर था, 20,000 का डेटर था, उसने 20 दे दिए, तो डेटर कम हो गए, डेटर पे कुछ नहीं, और क्या आ गए मेरे पास, कैश आ गए 20,000 के। भाई डेटर 20 के थे, पहले मेरे डेटर इंक्रीज़ हुए थे, उन्होंने मुझे पैसे दिए, तो डेटर डिक्रीज़ हो जाएंगे 20 से, क्योंकि 20 ही दे दिए, कैश आ जाएगा। रेंट पेड है, एक्सपेंसेस है, कैश डिक्रीज होगा, कैपिटल डिक्रीज होगा। विड्रॉ ड्रॉइंग है, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करें, पर्सनल यूज़ मतलब ड्रॉइंग, कैश डिक्रीज होगा, कैपिटल, इनका दो पे इम्पैक्ट पड़ता है, ड्रॉइंग और एक्सपेंसेस, कैश और कैपिटल दोनों पे इम्पैक्ट डालते हैं। चलो सम करते हैं फटाफट, समझ में आ गया होगा शायद क्वेश्चन, देख लेते हैं आप क्वेश्चन को। सबसे पहले कह रहा है, एक मिनट, फर्स्ट कह रहे हैं, मैं यहाँ पर सारा लिख लूँगी ताकि आपको बुक तो है ही, जिसपे पास बुक नहीं है वो देख लें। फर्स्ट कह रहा है ए पार्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश इंक्रीज हो जाएगा, जब भी स्टार्टेड होता है तो कैपिटल आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,75,000, क्योंकि कैश लेके आया है तो कैपिटल विल इंक्रीज 1,75,000। बस इसको नोट डाउन करना होता है सेकंड ट्रांजेक्शन के लिए कि लास्ट से मुझे क्या क्या मिला है, इज इक्वल टू, बस कैपिटल है अब यहाँ पर दोनों साइड इक्वल, ठीक है। सेकंड ट्रांजेक्शन बी क्या कहता है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, रोहित से परचेज की है, तो परचेज जब भी करते हैं तो क्या इंक्रीज हो जाता है, क्रेडिटर, तो यहाँ पर लिख दोगे आप क्रेडिटर, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, या यहाँ लिख देना या यहाँ लिख लेना, वो कोई मैटर नहीं है, ठीक है। रोहित क्रेडिटर है, कितने से इंक्रीज हो गया, फ्यूचर में मुझे 50,000 रुपीज़ रोहित को देने पड़ेंगे क्योंकि मैंने क्रेडिट परचेज किया है, और क्या आ जाएगा मेरे पास, स्टॉक, इसमें ही लिख लेते हैं स्टॉक, स्टॉक आ जाएगा, कैश भी यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। स्टॉक 50,000 से स्टॉक आ गया, क्योंकि गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड बताया था मैंने आपको, स्टॉक, ठीक है। कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि क्रेडिट पे परचेज किए हैं, स्टॉक इंक्रीज हो गया 50,000 से, क्रेडिटर को पैसे देने पड़ेंगे 50,000, और कैपिटल मेरी 1,75,000, 50 वाली 50 में ही परचेज की, इसलिए कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सिक्स सी कह रहे हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, पहली बात तो इसने क्रेडिट पे सेल की है, तो मेरे कौन बढ़ेंगे, डेटर इंक्रीज होंगे, 17,500 वाली गुड्स हैं, तो गुड्स की कॉस्ट कितनी है, 17,500 माइनस हो जाएंगे, लेकिन मैंने कितने में सेल की है, वो 20,000 में सेल की है, पैसे मिलेंगे मुझे 20,000 फ्यूचर में, प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हमेशा यहाँ पर आता है 2500 का कैपिटल में, ठीक है। 1,75,000 ये आ जाएगा हमारा, 0,052 4 में 7 3 32,500 प्लस डेटर इंक्रीज़ हो गए 20,000 के, जो मुझे पैसे देंगे, क्रेडिटर 50 के ही हैं, और ये आ जाएगा 1,77,500, ठीक है कैपिटल। नेक्स्ट कह रहा है डी, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ रुपीज़ भी लिख देते हैं यहाँ पर, मैंने सब में लिख लेती हूँ, रुपीज़ 17,500 ये थी कॉस्ट, और 20 के सेल की है, यहाँ पर आएगा 50,000 रुपीज़ 1,75,000, ठीक है ओके। ऑफिस यूज़ के लिए फर्नीचर परचेज किया, तो क्या आ जाएगा, फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर स्टॉक नहीं होता, फर्नीचर और स्टॉक दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, 10,000, क्योंकि कुछ नहीं कह रहा, कैश में परचेज किया होगा, हमेशा यही अज्यूम करते हैं, 0,0 और फर्नीचर आ गया 10,000 का, इजक्वल टू 0 और प्लस 0, इन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ये आ जाएगा 1,65,000 का कैश रह गया, 32,000 का रिमेन कांस्टेंट, डेटर रिमेन कांस्टेंट, एंड फर्नीचर 10,000 का मैंने परचेज कर लिया, क्रेडिटर को अभी मैंने पैसा नहीं दिया है, प्लस 1,77,500,
ठीक है। ई, कैश पेड टू रोहित, रोहित कौन था मेरा, क्रेडिटर था, उसकी फुल सेटलमेंट कर दी, फुल सेटलमेंट मतलब रोहित को एक तरह से सारा, रोहित अब मेरा कोई क्रेडिटर नहीं है, लेकिन मैंने पैसे कितने दिए उसे, 48,500 फुल, यहाँ पर लिखो फुल, फुल सेटलमेंट ऑफ रोहित रुपीज 48,500 दिए, तो 48,500 ही है। अब देखो मुझे प्रॉफिट हो गया, मुझे रोहित को देने थे 50,000, मैंने दिए कितने, सिर्फ 48,500, 1500 का मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट, तो ये यहाँ ऐड हो जाएगा, रोहित अब कोई क्रेडिटर नहीं है, मतलब ज़ीरो, क्लियर, 005 1 लाख यही आएगा, ठीक है, 32,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000 इज़ इक्वल टू ज़ीरो 1,79,000। एक बार ये देख लेते हैं, हाँ ठीक है। डी ई एफ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, मनीष मेरा डेटर था 20,000 का, डेटर था ना, इसने मुझे पैसे दे दिए, तो कैश आ जाएगा 20,000 का, और डेटर कम, अब डेटर डिक्रीज हो जाएंगे, डेटर नहीं रहे अब हमारे, वो सारे पेमेंट कर दी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष कितना आ जाएगा, 120,000 करेंगे तो इसमें 36,500 प्लस 32,500, डेटर मेरे डिक्रीज हो गए, 10,000 का फर्नीचर है, क्रेडिटर भी मेरे ज़ीरो रह गए, 1,79,000, ठीक है। उसके बाद रेंट पेड किया है, यहाँ पर इसे नोट डाउन कर लेते हैं पहले, 1,36,500 का तो है कैश, प्लस है 32,500 का स्टॉक, डेटर मेरे हैं ज़ीरो के, फर्नीचर 10,000 का, क्रेडिटर ज़ीरो, और कैपिटल है 1,79,000, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जी में रेंट पेड, जब भी रेंट पेड करेंगे तो एक्सपेंसेस है, कैश भी कम होता है, कैपिटल भी कम होता है, कैश डिक्रीज और कैपिटल, क्योंकि एक्सपेंसेस का कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ता है, कैश तो कम हो गई, इसमें कहीं ना कहीं कैश था इसलिए दोनों पे इम्पैक्ट पड़ता है इसका, 500, 5, ठीक है, स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं था, ये आ जाएगा, डेटर मेरे रहे ही नहीं अब, 10,000 का फर्नीचर ही था, इक्वल टू क्रेडिटर भी मेरे ज़ीरो ही हैं, तो ये प्लस होगा, क्योंकि अरे मैंने रेंट पेड किया है तो माइनस होगा, 1,78,000, ठीक है। उसके बाद लास्ट एंट्री है, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, जब भी ड्रॉइंग करेंगे तो सेम एक्सपेंसेस वाला ट्रीटमेंट होता है, कैश भी कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा ड्रॉइंग कर ले, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज लिख लेना, 3,000 की माइनस हो जाएगा 3,000, और यहाँ से भी माइनस हो जाएगा 3,000, तो कितना आ जाएगा ये, 1,32,500 प्लस स्टॉक आ जाएगा 32,500 के, डेटर ज़ीरो के हैं, फर्नीचर 10,000 का है, क्रेडिटर भी ज़ीरो के, जो ज़ीरो के उसे शो करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, प्लस 1,75,000 ये आ गई कैपिटल, ठीक है। बैलेंस शीट कह नहीं रहा था, नहीं कह रहा तो नहीं बनानी, इक्वल दोनों साइड का इक्वल आएगा। अब देखो ऐसे हम चेक कर लेते हैं, दिख रहा, एक मिनट, नहीं दिख रहा, कैश कह रहा 1,32,000 के, 1,32,000 स्टॉक ये आ गया, डेटर है ही नहीं, ज़ीरो रह गए थे, फर्नीचर 10 का, क्रेडिटर भी ज़ीरो रह गए थे, तो 1,75,000 की कैपिटल, ठीक है, क्लियर है, आ गया होगा। बस याद रखने वाला पॉइंट क्या था कि अगर आपने किसी भी की भी फुल सेटलमेंट की है तो कैश जितना दिया वो,
फुल सेटलमेंट मतलब वो सारा का सारा, चाहे वो डेटर था चाहे वो क्रेडिटर था, उसे ख़त्म कर देना है। जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो कैपिटल में आ जाएगा। यहाँ पर नया पॉइंट यही था। लेकिन इसकी एंट्री ना मैं जैसे जब टफ एंट्रियाँ करवाऊँगी एक बार, उसमें आपको दोबारा से एक ये वाली और एक ये वाली करा दूँगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। ओके यहीं से कर लें, चलो आगे चलो, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हाट विल द इफेक्ट फॉलोइंग ऑन द इक्वेशंस, अकाउंटिंग इक्वेशन पर प्रिपेयर करना है, क्या क्या इफेक्ट होगा वो बोल रहा है। कह रहा है हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश और कैपिटल आ जाएगा। परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में परचेज़ किए और क्रेडिट में, तो गुड्स तो 90 की आ गई, चाहे कैश में परचेज़ किए चाहे क्रेडिट में, हमारे पास स्टॉक कितना आ गया 90,000। जो कैश में परचेज़ किए हैं उससे कैश माइनस कर दो, और जो क्रेडिट में परचेज़ किए उससे क्रेडिटर को इंक्रीज़ कर दो, क्योंकि मैंने परचेज़ किए हैं तो मेरे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरे को पैसा देना पड़ेगा, ये मेरी लाइबिलिटी है, इसलिए 30,000 के क्रेडिटर विल इंक्रीज़। क्लियर। स्टॉक सोल्ड स्टॉक गुड्स फॉर कैश, जो कैश में सेल करी हैं उनको पहले तो स्टॉक कितने से कम हो जाएगा 40,000। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर पॉइंट है, वो कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 की सेल की है, ये तो सेल की है मतलब कैश आएगा। गुड्स की कॉस्ट कितनी है 24,000, तो स्टॉक कितने से कम होगा 24,000 से, लेकिन प्रॉफिट हो गया किसने का 16,000 का, क्या हो गया प्रॉफिट। सीधी बात है, तो ये कैपिटल में जाएगा भाई। कैश 40 मिलेंगे आपको, आपने अपनी साइकिल 24,000 की 40 में सेल कर दी। क्लियर। 24,000 की आपकी साइकिल थी, उसे 40 में सेल कर दिया, तो आपके पास पैसे कितने आएंगे 40। साइकिल मतलब आपका स्टॉक कितने से कम हो जाएगा 24 से, और जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में आता ही आता है, ठीक है। रेंट पेड किया है और रेंट आउटस्टैंडिंग, अरे भाई ये वाला पॉइंट ही तो बताना है मुझे, आउटस्टैंडिंग है। रेंट पेड किया कोई दिक्कत नहीं है, कैश कम होगा कैपिटल कम हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंसेस है। लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर बड़ा कुछ नया है, रेंट आउटस्टैंडिंग की एंट्री देख लो एक बार। देखो आउटस्टैंडिंग रेंट है ना जो मेरी, इसका मतलब है बाकी है, बाकी है चुकाना, बाकी है, ठीक है, पे करना पेंडिंग है। क्लियर हो गया। तो ये मेरी क्या हो गई एक तरह से, जब मैंने पे ही नहीं किया तो ये मेरी लायबिलिटी है, क्या है लायबिलिटी। क्लियर हो रहा है, ये मेरी क्या है लायबिलिटी, क्योंकि मैंने पे नहीं किया, और ये मेरी क्या है एक्सपेंसेस हैं, क्या हैं एक्सपेंसेस हैं। तो एक तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग रेंट, एक तो लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ये अपने आप में एक नाम है, ठीक है। प्लस क्योंकि एक्सपेंसेस हैं, ये मेरे खर्चे होंगे फ्यूचर में, इसलिए कैपिटल में से भी क्या हो जाएगी आउटस्टैंडिंग रेंट वाली अमाउंट माइनस हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखो कैश में नहीं गया ना, आउटस्टैंडिंग है बाकी हैं, तो एक तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, दूसरा क्योंकि एक्सपेंसेस हैं तो मेरी कैपिटल विल डिक्रीज। कैश पे इसलिए इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि कैश पे नहीं करा, आउटस्टैंडिंग है ना अभी बाकी हैं, तो इन फ्यूचर में एक्सपेंसेस हैं इसलिए कैपिटल तो डिक्रीज होगी होगी, क्योंकि ये मेरी लायबिलिटी होती है, तो अलग से इसे मेंशन करते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट के नेम से आती है ये। आगे ही बात समझ में। सेम ऐसे ही प्रीपेड, एक होता है प्रीपेड, प्रीपेड जैसे ही आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा कुछ भी वो, या एडवांस कह देगा, एडवांस या प्रीपेड एक ही बात है। ये मेरी एसेट होती है, इसका मतलब होता है कि मैंने सामने वाले को एडवांस में पेमेंट कर दी। मतलब अगर आप ट्यूशन जाते हो तो आपने 3 महीने की फ़ीस, 3 मंथ्स की फ़ीस, 3 मंथ्स के चार्जेस उसको एक्स्ट्रा में दे दिए, पहले से ही पे कर दिए। अब क्या करना है आपको, सिर्फ बेनिफिट उठाना है, अपना आराम से ट्यूशन जाना है, कोई हेडेक नहीं है। तो हमेशा प्रीपेड क्या होती है मेरी एसेट होती है, प्रीपेड क्या होती है मेरी एसेट। एडवांस में पेमेंट कर दी होती है, एडवांस में, तो इसका इम्पैक्ट देखो क्या होता है, क्योंकि आपने प्रीपेड को एडवांस में पेमेंट कर दिया, जितना मान लो 1,000 का होता प्रीपेड, तो कैश कम हो जाएगा क्योंकि आपने एडवांस में पेमेंट कर दी। और क्या इंक्रीज़ हो जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस या सैलरी होगी या कुछ भी, वो आ जाएगा एसेट साइड, ठीक है। क्योंकि ये एक्सपेंसेस नहीं है ना ही ये इनकम है, ये मेरी क्या है एसेट है, मैंने एडवांस में पे कर दिए, तो मेरा कैश कम हो जाएगा और एसेट साइड आ जाएगा प्रीपेड एसेट।
कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कोई एक्सपेंसेस नहीं हो रहे, कोई लॉस नहीं हो रहा। मेरे को देने थे पैसे, मैंने पहले ही दे दिए एडवांस में, तो इसलिए ये किधर की तरफ आता है, एसेट साइड। जैसे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी हमारी किधर की तरफ आएगा, लाइबिलिटी साइड, और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। सेम इसका ही भाई है ये दूसरा, अपोजिट, दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो प्रीपेड कहाँ जाएगा, एसेट की साइड। किधर की तरफ जाएगा, एसेट की साइड, और किस में से कम होगा, कैश में से, क्योंकि मैं एडवांस में पेमेंट कर चुकी हूँ। तो अगर मैं अब इन दोनों से कंक्लूजन निकालूं, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, प्रीपेड का इफेक्ट होता है कैश पर और एसेट पर, एसेट साइड लिख देते हैं। आउटस्टैंडिंग का इम्पैक्ट होता है कैपिटल पे, मतलब लाइबिलिटी साइड, और लाइबिलिटी साइड एक दूसरे के अपोजिट है, तभी तो अपोजिट साइड जाएंगे। इसका कैपिटल पे, क्योंकि ये एक्सपेंसेस हैं, होंगे, और प्रीपेड का मतलब है मैं पे कर चुकी हूँ, ये पे नहीं किए इसलिए कैपिटल में से माइनस होगा, क्योंकि ये मैं पे कर चुकी हूँ इसलिए ये किस में से माइनस होगा, कैश में से। इसको बड़ा, यही है इम्पोर्टेंट पॉइंट भाई, इसमें ही कन्फ्यूज होते हैं बच्चे, बड़ा ध्यान से समझ लेना भाई। इससे और भी लैंग्वेज में समझा दूंगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तक समझना। आउटस्टैंडिंग का इम्पैक्ट किस में होता है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और कैपिटल में से डिक्रीज हो जाते हैं। प्रीपेड एसेट होती है, पहले याद रखना है, प्रीपेड हमारी एसेट होती है, 11th में हमने पढ़ रखा है। प्रीपेड ये एसेट साइड जाएगा और कैश कम हो जाएगा, क्योंकि कोई एक्सपेंसेस थोड़ी ना हो जो कैपिटल पे भी इम्पैक्ट होगा, इसमें भी पैसे थोड़ी आए जो कैश में भी इम्पैक्ट होगा। तो इसे याद रखना, अब आसान हो जाएगा, अब चुटकियों में हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ नहीं दिक्कत है। फिर ये हो गई ना आउटस्टैंडिंग रेंट, तो कर लोगे इसकी मैंने एडजस्टमेंट आपको समझा दी। सोल गुड्स ऑन क्रेडिट, उसकी गुड्स की कॉस्ट कितनी है, 38, मैंने सेल कितने में किए, 50 में, तो सेल किए इसलिए मेरे डेटर इंक्रीज होंगे भाई। पैसा मुझे कितना मिलेगा, 50,000 का। गुड्स मेरी कितने की कम हुई, 38,000 की, मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट कितने थाउजेंड का, 12,000 का, वो चला जाएगा कैपिटल में। आपने अपनी कोई भी चीज़ 38 वाली 50 में सेल कर दी, चाहे क्रेडिट में किए, पैसे तो मिलेंगे, तो डेटर इंक्रीज होंगे 50 से, गुड्स कम होंगी 38 से, और जो प्रॉफिट हो गया वो कैपिटल में। सैलरी पेड करिए एडवांस, तो ये एडवांस का मतलब प्रीपेड ही होता है, प्रीपेड। अब मैंने आपको बता दिया प्रीपेड का मतलब होता है एसेट, एसेट साइड चले जाएंगे 3,000, और कैश क्योंकि मिल गया होगा प्रीपेड, आप लोगों को क्या हुआ है, प्रीपेड सैलरी है ये, तो आपका 3,000 कैश में आ जाएगा। तो प्रीपेड का ट्रीटमेंट प्रीपेड जैसे कर दोगे, कैश को कम कर दोगे, और किधर आ जाएगा, एसेट साइड। आपने पहले से ही एडवांस में पेमेंट कर दी, इसका मतलब ये कहना चाहता है ये, ठीक है। तो कैश कम हुआ होगा ना, कैपिटल कोई लॉस थोड़ी ना हुआ है, एक्सपेंसेस देने थे दे दिए, ठीक है। करें फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट। स्टार्टेड हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। 180,000 से स्टार्टेड किया है, तो 180,000 कैश में आ जाएगा और 180,000 कैपिटल में। यहाँ पर आ जाएगा आपका 180,000 इज इक्वल टू 180,000। सेकंड कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश और क्रेडिट, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में परचेज़ किए 60,000 की और क्रेडिट में परचेज़ किए 30,000 की। अब मेरे पास तो 90,000 के गुड्स आ गए, चाहे वो कैश में चाहे क्रेडिट में, स्टॉक तो मेरे पास कितना आ गया 90,000 का। जो कैश में परचेज़ किया है उससे कैश कम कर दो, लेकिन जो क्रेडिट में परचेज़ किया है तो मेरी लाइबिलिटी है, मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो क्रेडिटर इंक्रीज कर दो 30,000, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। 120,000 प्लस 90,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे, अब मुझे पैसे देने पड़ेंगे 180,000 कैपिटल। थर्ड है हमारा सोल्ड गुड्स 40,000, सोल्ड गुड्स 40,000 जबकि उसकी कॉस्ट क्या थी 24,000, तो गुड्स तो उसकी कॉस्ट 24 है, तो 24 ही तो माइनस होंगे, पैसे 40 मिलेंगे कैश में पर सेल किया क्योंकि, और मुझे प्रॉफिट हो गया क्योंकि मैंने 40 वाले स्टॉक को 24 वाले स्टॉक को 40 में सेल कर दिया, तो 16,000 का मुझे क्या हो गया प्रॉफिट, 16 ही आएगा, हाँ ठीक है।
160,000 प्लस के कितना आ जाएगा 6,866 इज इक्वल टू 30,000 प्लस के 196,000। फोर्थ कह रहा है रेंट पेड किया है और रेंट आउटस्टैंडिंग है, बड़े ध्यान से समझना। जो रेंट पेड किया है पहले इसकी एंट्री कर देते हैं, रेंट पेड किया है आपने 5,000 का, तो ये तो माइनस और माइनस के 5,000, ठीक है। और दूसरा क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट। मैंने कहा आउटस्टैंडिंग का दो जगह ही इम्पैक्ट पड़ता है, सिर्फ लाइबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग सिर्फ इधर आएगा, आउटस्टैंडिंग सिर्फ किधर आएगा, इधर, और प्रीपेड सिर्फ इधर, ठीक है, याद रखना। आउटस्टैंडिंग रेंट है तो लिख देते हैं यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट, ये मेरी लाइबिलिटी होती है। एक नई चीज़ आ गई आउटस्टैंडिंग रेंट, तो क्रेडिटर तो 30,000 के ही रहेंगे, कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन क्या आ गया बीच में, अब आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया, कितने थाउजेंड का, 2,000 का, मतलब ये देने बाकी हैं, तो आउटस्टैंडिंग है तो देने पड़ेंगे। एक तो मेरा क्या कम होगा, कैश, दूसरा क्योंकि मेरी लाइबिलिटी है ना, क्योंकि मेरे एक्सपेंसेस हैं, तो माइनस और हो जाएंगे 2,000। इधर कोई इम्पैक्ट नहीं आता इसका, क्लियर हो गया। ये इसका ओवरऑल रिजल्ट आया, कंक्लूजन आ गया होगा समझ में। जो देखो रेंट पेड किया वो नॉर्मल है, कैश और कैपिटल कम होगा, ये हम पे कर चुके हैं। लेकिन आउटस्टैंडिंग का मतलब है अभी हमने दिए नहीं है, अभी हमें पे करने हैं, तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी एक तो, और क्योंकि एक्सपेंसेस है मेरे लिए फ्यूचर में, तो मेरी कैपिटल कम हो जाएगी। फ्यूचर में एक्सपेंसेस हैं, अभी पे नहीं किए, इसलिए कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1,55,000 प्लस 66,000, स्टॉक का कोई इम्पैक्ट नहीं, क्रेडिटर 30,000 के ही रहेंगे। एक नई चीज़ और आ गई, कौन, आउटस्टैंडिंग रेंट, और ये हो जाएगा 7,000 अगर इसमें से मैं माइनस करती हूँ, 1,89,000, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद फिफ्थ है सोल्ड गुड्स क्रेडिट, सोल्ड गुड्स सेल किए तो डेटर बढ़ेंगे, 50 की थी मतलब सेल किए और कॉस्ट कितनी है उनकी 38,000, तो मेरी स्टॉक कितने से कम होगा, क्योंकि मैंने सेल किए 38 से, ठीक है, बट पैसे कितने मिलेंगे, अभी मिले नहीं है, तो यहाँ पर डेटर इंक्रीज हो जाएंगे। कौन इंक्रीज हो जाएगा, डेटर, कितने मिलेंगे मुझे 50,000, क्योंकि प्रॉफिट हो गया कितने थाउजेंड का, 12 का, इसलिए 12,000 का प्रॉफिट किधर आ जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, 1,150 आ जाएगा 28,000 प्लस 50,000, क्योंकि डेटर अब मुझे पैसे देंगे, क्रेडिटर मेरे 30,000 के हैं ही, रेंट भी मेरा 2,000 का है, और ये आ जाएगा 0,001,810,201,000, ठीक है, कैपिटल हो गया। सिक्स कह रहा है, लास्ट है ये, सैलरी एडवांस है, एडवांस मतलब प्रीपेड, प्रीपेड का इम्पैक्ट सिर्फ इधर पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग इधर और प्रीपेड इधर, बस प्रीपेड रेंट, रेंट पेड इन एडवांस, सॉरी सैलरी है, सैलरी पेड इन एडवांस कितना 3,000, तो एडवांस में मैंने सैलरी पे कर दिए, तो यहाँ पर आ जाएगा एक वर्ड प्रीपेड सैलरी, हमेशा एसेट्स में शो होती है ये प्रीपेड सैलरी, यहाँ पर आप लोग लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है। प्रीपेड सैलरी मेरी कितनी है 3,000 की है, और क्योंकि मैंने एडवांस में ही पे कर दिया इसलिए माइनस हो जाएगा 3,000। जैसे कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ता है आउटस्टैंडिंग का, सेम प्रीपेड का एसेट पे इम्पैक्ट पड़ता है। 3,000 के मैंने एडवांस पे कर दिए, कोई लॉस नहीं हो रहा, पे करने थे, कोई एक्सपेंसेस नहीं है कि भाई करने हैं, इसलिए दोनों कम हो रहे हैं। प्रीपेड सैलरी थी, ये मेरी एसेट होती है, एसेट साइड लिख देते हैं और कैश को कम कर देते हैं। सेम ऐसे ही क्रेडिटर मेरी, वो आउटस्टैंडिंग मेरी लाइबिलिटी होती है और कैपिटल को कम कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग, अब तुम्हें याद रखना है, आउटस्टैंडिंग का इम्पैक्ट सिर्फ इधर पड़ता है और प्रीपेड का इम्पैक्ट सिर्फ इधर पड़ता है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत मेन था। 1,52,000 का कैश रह जाएगा, 28,000 का स्टॉक ही रहेगा क्योंकि ज़ीरो चेंजेस आए थे, 50 के मेरे डेटर रहेंगे क्योंकि ज़ीरो चेंजेस आएगा, प्रीपेड और आ गया एक, प्रीपेड लिखते हैं क्योंकि ये मेरी एसेट होती है, 30,000 प्लस 2,000 के मेरे आउटस्टैंडिंग है और 2,01,000 के मेरी
कैपिटल है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा बेटा। देखते हैं आप आंसर, देखते हैं, देखो दिख रहा है, हाँ कैश है 1,52,000 का, स्टॉक है 28,000 का, डेटर है 50,000 के, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 3,000 के, क्रेडिट है 30 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 के और 2,01,000 की मेरी कैपिटल है। बस प्रीपेड नया है, अगर नॉर्मल रेंट है, रेंट पेड है नॉर्मल, तो कैश और कैपिटल कम होते हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग है तो कैश तो कम हो ही नहीं सकता ना, आउटस्टैंडिंग है, पे ही नहीं किया तो इसलिए इधर आएगा। प्रीपेड है, एडवांस में पे कर दिया है तो इधर आएगा, बस ये पॉइंट है, क्लियर। चलो कितने मिनट की वीडियो हो गई, 30 मिनट की। और क्वेश्चन कर सकते हैं क्या हम आगे? ठीक है करते हैं, ठीक है बेटा कोई नहीं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th और 8th, हम एक वीडियो में कर लेंगे 7th 8th और 9th का ए और बी एक में, ताकि तुम लोग बोर ना हो, बहुत ज़्यादा ना हो आप लोगों का, अपना ध्यान से करते रहें, दो दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और फिर अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं नई वीडियो बना लूँगी। और दूसरी बात, इसकी जितनी भी इम्पोर्टेंट जो हार्ड इस टाइप की एंट्रीज हैं, जो जो टफ टफ हैं, वो सारी एंट्रियाँ तुम्हें एक में ही अवेलेबल हो जाएंगी वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरा चैनल, और अपने दोस्तों से कहें भाई मैम अच्छा पढ़ाते हैं आप देख लें, ठीक है, थैंक यू।